दोस्तों थैंक्स बाद यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज राम रहीम के बारे में, जिसको हराम अफीम मैं कह रहा हूं और उसको सिद्ध करूंगा। हर जगह एक प्रचार चला हुआ है, सारे यूट्यूब चैनल अपने चक्रों में लगे हुए हैं, सारी मीडिया अपने चक्रों में लगी हुई है, लेकिन पहले कहां चले जाते हैं ये। मैं अपने चैनल से ऐसे ऐसे हरामियों की, ऐसे ऐसे सामाजिक कीड़ों की और ऐसे ऐसे मुस्लिम परस्त लोगों की हमेशा से पोल खोलता आया हूं और आज भी कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपको जानकर आश्चर्य होगा। ये दरअसल जो मीडिया में छुपाई जाती है वो बातें मैं बता रहा हूं। ये जो डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है, इसका, इस हराम अफीम का, ये सबसे पहले जानते हो किसने शुरू किया था? ये अमू कुरेजुद्दीन खान था एक, जिसको मस्ताना बलूचिस्तानी बोलते थे। 29 अप्रैल 1948 को उसने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी। उसके बाद शाह सतनाम उसका जो है चीफ बना था, मुखिया बना था, और उसी ने इस मुस्लिम को, राम रहीम को, वहां का जो है बाद में डेरे को सौंप दिया था। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि इनको हिंदू संत दिखाते रहते हैं। ये हराम अफीम है। ये हरामी किसको बोलते हो आप जानते हो? हराम किसको बोलते हैं? हर आम जनता का जो हरण करे, उसके साधनों का, उसके पदार्थों का हरण करे, हरण मतलब खोस ले, छीन ले, जिसको बोलते हैं उसको कहते हैं हराम। ये ऐसे ही हरामी है। ये आम जनता का छीनने वाले, मां बहन बेटियों की अस्मिता लूटने वाले। यहां पर इन हरामियों ने 500 लोगों को खस्सी करवाया। खस्सी जानते हो? खस्सी कहते हैं नसबंदी जिसकी हो गई हो, जिसको हिजड़ा बना दिया गया हो, समझते हो ना, उसको खस्सी बोलते हैं। 500 लोगों को आश्रम में काम करवाए थे खस्सी बनाकर। अब उनकी भी मजबूरी है, वो वहीं रह सकते हैं। अब खस्सी बनवाने का अर्थ ये है इनकी वहां चेला चेलिया चेलिया घूमती रहती हैं, वो अपने लिए रखते हैं, उनको खस्सी करवा के उनसे मजदूरों की तरह, कुत्तों की तरह काम लेते हैं। इनके दो पूर्व जो चेले थे उनकी वीडियो भी सामने, समाज के सामने आ गई। एक गुरदास तौर है और एक हंसराज चौहान है, दोनों की वीडियो अभी सामने आ गई। दोनों इसके चेले थे कि ऐसे ऐसे खस्सी बनाया गया है, ऐसे ऐसे माता बहनों की अस्मिता। पहले कहां चले गए थे ये समाज, ये तंत्र, ये मीडिया, ये यूट्यूब चैनल? आज अचानक से उठ गए। हमारा चैनल थैंक्स बात यूट्यूब चैनल ऐसे ऐसे धर्म द्रोहियों की और ऐसे पाखंडियों की हमेशा पोल खोलता है। और ये अफीम की जो काम करते हैं ना, जो शराबी नशेड़ी काम करते हैं, वो काम ये कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने लाखों की शराब छुड़वा दी। अरे कहां शराब छुड़ा दी, ये तो हराम खोर है। ये तो लोगों को नशे में दिखाने वाले हैं, हाथी के दांत खाने कुछ दिखाने कुछ। ये सबसे ज्यादा खतरनाक षड्यंत्र इस राष्ट्र में चल रहा है और मेरी माताएं बहनें इनमें सबसे ज्यादा है। मैं अपनी माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूं अपनी इस वीडियो के तहत, ज्यादा से ज्यादा सभी शेयर करें ताकि महिलाओं तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, कि काले चोर के पास चले जाओ, डाकुओं के पास मत जाओ, इन हराम खोरों के पास मत जाओ। आपने मेरी वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।